मैं चाहती हूँ कि मैं ये कोर्स कंप्लीट करके टेंट्रम्स थ्रो कर रही थी ना, मुझे मना किया, अब भागो यहां से मुंह छुपा के आंटी जी। ओह नाउ आई गेट इट, इतना एटीट्यूड क्यों दे रही थी तुझे इंट्रो वाले दिन। अभी हो या आंटी जी, तुम्हारी तो जूनियर ही है ना, जस्ट शो हर कि सीनियर होना होता क्या है। मुझे नहीं पता था कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैरिड या अनमैरिड होना मैटर करता है। एडमिशन फॉर्म में कहीं नहीं लिखा था कि अपनी शादी की डिटेल्स भरिए। शादी किससे हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे चल रही है, इससे शायद कुछ लोगों को इनफ मसाला नहीं मिला बातें बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। इस तरह सबका टाइम वेस्ट किया। अगर मुझसे सीधा आके पूछ लिया होता तो मैं बता देती। क्या हुआ, आप लोग इस तरह शॉक क्यों हैं? शादी ही है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, ना कोई क्राइम, ना ही कॉलेज के प्रस्पेक्टस में लिखा है और ना ही कोई देश के कानून में ऐसा लिखा है कि शादीशुदा लोगों को पढ़ने की मनाही है। शादी एक नई जिंदगी की शुरुआत जरूर है, लेकिन पुरानी का डीएन नहीं। कहीं नहीं लिखा है कि शादी के बाद उसके पहले का सब कुछ खत्म होना जरूरी है, फिर चाहे वो सपने हो या रिश्ते। अगर शादी से पहले किसी ने कुछ करने का या बनने का सपना देखा है तो शादी के बाद उसका टूटना या तोड़ा जाना जरूरी नहीं है, उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी किया, इससे पहले कि कल फिर किसी फंक्शन में कोई नई बात ढूंढ के आप सबका टाइम वेस्ट किया जाए, मैं बता देना चाहती हूँ, जिस तरह शादी का होना कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता, कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता, उसी तरह उसका ना रहना भी मैटर नहीं करता, उसका ना रहना भी मैटर नहीं करता। नारा की बातों से ऐसा लगता है जैसे उसकी शादी टूट चुकी है। हाँ यार, ये सबको देखकर तो यही लग रहा है कि ये मूव ऑन कर चुकी है। तुम्हारे लिए शादी ओवर हो चुकी है, कुछ मायने नहीं रखती ना ये शादी। मेरी पर्सनल लाइफ का मेरी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जब तक वो मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता। शादी का होना या उसका ना रहना मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो वो मेरा सपना, कि मैं अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ और उसका मुझे पूरा हक है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको, गर्ल्स बॉयज, आंटी जी, भाभी जी, मिस मिसेस, सबको।
जिस तरह शादी का होना कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता, कॉलेज एडमिशन के लिए मैटर नहीं करता, उसी तरह उसका ना रहना भी मैटर नहीं करता, उसका ना रहना भी मैटर नहीं करता। मुझे लगा था कि हम फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मैरिड हो, सेपरेटेड हो एंड ऑल दैट। कौन है वो नायरा, योर हस्बैंड, आई मीन योर एक्स? अच्छा, कहाँ रहता है वो? या मुंबई में या ओ तुम तो उदयपुर से हो ना, वो ही रहता है क्या? इसी वजह से तुम वहां से? Just tell me, नायरा, क्या हुआ? हम फ्रेंड्स हैं नायरा, you can tell me anything और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज टेल मी। तन्वी, प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अंदर सबके सामने इतना कुछ कह दिया और अब कोई बात नहीं करनी? I'm sorry, मैं समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल होगा ना। तुम चाहो तन्वी, अंदर फंक्शन चल रहा है ना। अरे ये फ्रेंड्स इतना तो चलता है यार। तन्वी प्लीज, कुछ देर के लिए मैं अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज। ओके। वाह, क्या स्पीच दी है आपने। आई एम श्योर पूरे कॉलेज की सिंपैथी आपके साथ ही होगी। और आपके हस्बैंड, उसको तो सब विलन समझ रहे होंगे ना, है ना? क्या हुआ, कुछ कहो ना, थैंक यू या कुछ भी। तारीफ कर रहा हूं मैं आपकी, क्या तीर चलाई आपने, एक से एक तीर, सबको इमोशनल कर दिया अंदर, कितने लोग तो रोने भी लग गए। सच्ची वेल डन, हमेशा की तरह तुम जो चाहती थी वो पूरा हो गया ना। बस ये समझ में नहीं आ रहा, जब सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का मौका मिला तो क्यों नहीं किया तुमने? बड़े आराम से कर सकती थी, कह देती सबके सामने कि यही है वो, यही है वो जिससे मेरी शादी हुई, अनफॉर्चुनेटली इसी से शादी हो गई, इसी की वजह से इतनी हर्ट हूँ, इसी की वजह से इतनी अकेली हूँ आज। बोल देती, जब इतना कुछ बोलने की हिम्मत है तो यही नहीं बोल देती। प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? जब कुछ चाहोगी तब बोलोगी, जब कोई सवाल करेगा तो जवाब नहीं दे सकती तुम। बोलो नायरा, मेरे सवाल का जवाब दो, हमेशा की तरह भाग नहीं सकती तुम। सुनाई दे रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे मेरे सवाल का जवाब दो नायरा, ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है नायरा। जिसके पास हर बात का जवाब होता है, हर चीज के रीजन होते हैं, हर चीज का सोल्यूशन होता है, उसके पास मेरे इतने छोटे से सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला नायरा, जस्ट टेल मी द ट्रुथ। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्तिक मुझे छोड़ो, ये कॉलेज अगर किसी ने देख लिया तो फालतू का तमाशा बन जाएगा। तमाशा क्या, तुम्हें तो और ऑडियंस मिल जाएंगे, है ना? जिस तरह अंदर वो इंप्रेसिव स्पीच दी थी सबको इमोशनल करने के लिए, अब भी कर दोगी, अब भी सिंपैथी ले लोगी सबकी। बल्कि इस बार तो तुम ये भी कह सकती हो कि वो इंसान मैं हूं। मुझे जिससे जो कहना होगा मैं कहूंगी, और जहां नहीं कहना होगा वहां चुप रहूंगी। तुम इस तरह ताने मार मार के मुझे गिल्टी फील नहीं कर रही थी? तो तुम तब भी फील नहीं कर रही थी जब तुम्हारी गलती थी। हमेशा वही करती हो जो तुम्हारा मन करता है। नहीं, मैं हमेशा वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। दोनों में बहुत फर्क होता है कार्तिक, लेकिन ये तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ गुस्सा भरा है जो तुम्हें उसके सिवाय कुछ और सोचने ही नहीं देता। और अब ये मत कहना कि ये मेरा वहम है, क्योंकि जिस दिन से तुम कॉलेज आए हर किसी ने वो देखा है कार्तिक, महसूस किया है। जिस तरह गिन गिन के तुम मुझसे बदले लेते हो, ढूंढ ढूंढ के मेरी गलतियां पकड़ते हो, उनकी सजा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तुझसे साफ पता चलता है कार्तिक कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। करो जो करना है करो, ताली बजानी है ताली बजाओ, साथ से निकालना है निकालो, घर से निकालना है। ओ मोरे सैया,
नैना ना रूठे मने। मिस्टर गोयंका, प्लीज कम बैक टू द ऑडिटोरियम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।